We are going to start with the exercise. Question number one, which one of the following materials cannot be used to make a lens? That is clay, क्योंकि ये transparent नहीं है, बाकी transparent है. Clay is not transparent, तो D part आएगा clay. Second है, image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger. Where should the object be placed? Between pole and principal focus. F or P, last case में virtual image बनती है बस. Concave mirror के last case में virtual image बनती है. तो डी पार्ट इसका आंसर है, बिटवीन फोकस एंड पोल. थर्ड है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, 2f पे रखते हैं, 2f पे ही इमेज बनती है सेम साइज की. डी पार्ट आएगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. फोर्थ है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस have each a focal length of minus 15 cm. Mirror and lens are likely to be. किस lens और mirror की focal length negative होती है? Concave. तो आपका answer आएगा A part, both concave. It will be A part, both concave. Last. चलो. उठो वहाँ पे. Only for this period. Question number 5. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is either plane or convex. आपका plane mirror भी erect image बनाता है, convex भी बनाता है. तो D part आएगा either plane or convex. Sixth है, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? Obviously हम convex lens use करेंगे, concave lens use नहीं करेंगे, पर question है कि कौन सा lens, focal length जिसकी small है कि जिसकी large है. तो आपको मैंने बताया था कि last case जो है convex lens का, उसमें ये एक magnifying glass की तरह काम करता है जब ये virtual image बनाता है, convex lens. When the object is between when the object is between focus and optical center, जब F और O के बीच में होता है तब, है ना? और उस केस में, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है नोट कर लो. मैग्निफिकेशन ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, नोट कर लो. डी यहाँ पे डिस्टेंस है, कम से कम कितने डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट रखनी चाहिए कि हम उसको पढ़ सकें, ये वो डिस्टेंस होता है जो 25 सेंटीमीटर होता है फॉर नॉर्मल आई. नॉर्मल आई के लिए इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर. मतलब आप बस ये देखो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कम है वो ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा. इसका मतलब हमारा आंसर होगा कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. हम कम फोकल लेंथ वाला लेंस प्रेफर करेंगे. ये नहीं था तभी मैं आपको बता रही हूं, फॉर्मूला नोट कर लो ये, अदरवाइज आपको क्रैम करना पड़ेगा. मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नोट कर लो ये होता है फॉर्मूला. डी यहाँ पे डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी हेल्ड टू लुक एट इट क्लियरली, मतलब अगर बिल्कुल आंखों के पास रख लोगे नहीं ना पढ़ा जाएगा, कम से कम जितना डिस्टेंस होना चाहिए नॉर्मल आई के लिए वो है 25 सेंटीमीटर. इट हैज बीन फाउंड 25 सेंटीमीटर, इसको नियर पॉइंट कहते हैं आई का. ये है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्निफाइंग ग्लास. मैंने आपको बताया था कन्वेक्स लेंस का जो सिक्स्थ केस था जिसमें ये वर्चुअल इमेज बनाता है, उस पोजीशन में हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं. तो उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है. गॉट दिस नाउ? क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. वे व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इज द इमेज लार्जर स्मॉलर? ड्रॉ रे डायग्राम.
तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस की रेंज क्या है कि हमें एक इरेक्ट इमेज मिले कनकेव मिरर के। आपको पता है कि इरेक्ट इमेज कनकेव मिरर कब बनाता है? बिटवीन फोकस एंड पोल। तो फोकस और पोल के बीच में जितने डिस्टेंस है उसके लिए इरेक्ट इमेज बनेगी। फोकस कहां पे है? 15 सेंटीमीटर में। फोकस कहां पे है? 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अगर आप इसको जीरो मानते हो, जीरो सेंटीमीटर, तो ये 15 तक आप कहीं भी रख दो, तो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? जीरो से 15 सेंटीमीटर, वहां तक आप कहीं भी रख दो तो आपकी इमेज इरेक्ट बनेगी। तो आप लिखोगे रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस इज फ्रॉम 0 to 15 सेंटीमीटर। एक नहीं, इन सारे डिस्टेंसेस के लिए इरेक्ट इमेज बनेगी। और इमेज लार्जर होगी या स्मॉलर होगी? लार्जर होगी। नेचर क्या होगा? वर्चुअल होगा। सो ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम द केसेस। इफ यू आर अवेयर अबाउट द केसेस ओनली देन यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ कार, कनकेव मिरर। बी पार्ट, साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार, कन्वेक्स मिरर। इसको हमने डिटेल में किया है। सी पार्ट, सोलर फर्नेस, कनकेव मिरर। सोलर फर्नेस में प्लेन मिरर के बहुत सारे पीस होते हैं, उनके सामने एक बड़ा कनकेव मिरर होता है। पहले लाइट प्लेन मिरर्स पे पड़ती है, फिर रिफ्लेक्ट होके कनकेव मिरर के फोकस पे आती है। डबल, ट्रिपल, कितनी सारी मैग्निफिकेशन होती हैं, इसलिए वहां पे 1000-2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, जो मेटल्स को भी मेल्ट कर सकता है, तो वो फर्नेस बन जाती है। नाइन्थ है, 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? यस, इमेज कंप्लीट होगी। वेरीफाई आंसर एक्सपेरिमेंटली एंड एक्सप्लेन योर, बट उसकी ब्राइटनेस कम होगी क्योंकि हमने हाफ लेंस को ब्लॉक कर दिया है, तो सारे के सारे लेंस से रेज वहां इमेज नहीं बनाएंगी। हाफ लेंस को हमने ब्लैक इन कर दिया है, सिर्फ इतना पोर्शन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स इमेज फॉर्मेशन, सिर्फ इतने पोर्शन से लाइट रेज, कहां पूरे लेंस से रेज ने रिफ्रैक्ट होके इमेज फॉर्मेशन में पार्ट लेना था, कहां पे सिर्फ हाफ पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए इमेज की ब्राइटनेस कम होगी, साइज चाहे फुल हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करिए, कॉपी पे कर ली, ये 9 तक तो आपके बुक से ही आप कर सकते हो। 10th क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल है। 10th है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। H1 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है -25, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड पोजिशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। पोजिशन मतलब वी निकालना है, नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकालनी है, और साइज ऑफ इमेज H2 निकालना। तीन चीजें गिवन है, तीन आपको फाइंड करनी है। कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। चलिए इसको करते हैं कंप्लीट न्यूमेरिकल, ये वाला। सबसे पहले लेंस है, यह आपने देख लिया कि ये एक लेंस है, तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला यूज करोगे और यहां से वी निकालना है आपने। माइनस माइनस प्लस हो गया, या माइनस और माइनस 25 प्लस हो गया। चलो वी निकालो, फाइन करो, एलसीएम लेके कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है 16.6।
अब हम न्यूमेरिकल रे डायग्राम से देखते हैं कि ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे ही होना चाहिए था कि नहीं। ये ओ है, फोकस आपका 10 पे है, तो 2F कहां पे है? 20 पे, और ऑब्जेक्ट आपने रखी 25 पे, बियॉन्ड 2F वाला केस है। बियॉन्ड 2F वाला बनाइए इसको, बिटवीन F एंड 2F इमेज बन रही है, ये वो वाला केस है। F एंड 2F मतलब 10 और 20 के बीच में आपका V आना चाहिए, राइट साइड पे है तो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक आ रहा है। हमारा V कितना आ रहा है? 16.6, 10 और 20 के बीच में ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया ना, केस वेरीफाई हो गया। तो ये इसलिए मैं कह रही थी कि आपको केसेस जरूर आने चाहिए, आपका आधा न्यूमेरिकल आइडिया हो जाएगा कि हम ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। यस यू गो बैक, कोई बात नहीं, मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ और आपको पता होना चाहिए था कि आज बुक लानी है। आप इधर आ जाओ, उठो, वो थर्ड बेंच पे, इसके दो बेंच छोड़ के बैठो। अब हम लगाते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। लेंस के लिए प्लस होता है, ध्यान रखना है, लेंस के लिए पॉजिटिव होता है। वी कितना है? 50/3, और यू है -25, तो ये आ गया मैग्निफिकेशन -2/3, -0.6 आ गया। नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो इमेज रियल होती है, नेचर पता चल गया, रियल इन्वर्टेड, और इसकी वैल्यू है 0.6 लेस देन 1, उससे पता चला कि इमेज इज स्मॉलर इन साइज, डिमिनिश्ड। तो मैग्निफिकेशन से पूरा हमें पता चल गया कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, उससे तो सिर्फ ये पता लगा कि राइट साइड पे, ये देखो ना, वी राइट साइड पे था, मैग्निफिकेशन से पता लगेगा नेचर क्या है। अब हम निकालते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या है? H2/H1, H1 कितना है? 5, और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको फ्रैक्शन में मत लीजिए, मतलब ऐसे ही लीजिए फ्रैक्शन में, पॉइंट में मत लो, पूरा राउंड अबाउट आंसर लेने के लिए। तो H2 आ गया आपका -10/3, -3.3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? 5 सेंटीमीटर, इमेज स्मॉलर है 3.3 सेंटीमीटर, वी आपका कितना है? 16.6। सारे डिस्टेंस मार्क कर दीजिए, रे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन कंप्लीट न्यूमेरिकल विद रे डायग्राम। न्यूमेरिकल शुरू करते ही पहले आप रे डायग्राम बना लिया करो, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, रियल आ रही, इन्वर्टेड आ रही, कैसी इमेज आनी चाहिए, वो सब आपको आइडिया हो जाएगा। तो हैव अ लुक, कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछ सकते हो, आंसर निकालना नहीं पड़ेगा एमसीक्यू में, वी कहां से आएगा? अगर सॉल्व करोगे तो आएगा ना, नहीं सपोज कर लो आपका न्यूमेरिकल ऐसे ही आ गया, बस उन्होंने ऑप्शंस दे दी, वी बताओ इमेज कहां पे बनी, वो तो सॉल्व करके ही पता लगेगी, याद तुक्का थोड़ी लगेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कनकेव लेंस का। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव होती है ना, लिखो एफ ए -15, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब पहले आपको ये बताना चाहिए कि कनकेव लेंस इमेज किस साइड पे बनाता है, बनाओ इसका रे डायग्राम, कनकेव लेंस है ना, तो पहले तो ये देखो कि वी दिया हुआ है, पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये है ना आपका, तो वी नेगेटिव है, वी आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है 10, और इमेज डिस्टेंस है ये भी माइनस है, अगर पॉजिटिव लोगे गलत हो जाए। तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं कि वी ही निकालना होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में यू निकालना है, यहाँ यू निकालना है, ठीक है। चलिए बस लेंस फॉर्मूला यूज होगा,
चलो यू करो सॉल्व कितना आ रहा है। सॉल्व करो यू, एलसीएम ले लो, देखो यू कितना आ रहा है। हाँ जी, नहीं इसी टाइप की हूँ। माइनस 30 सेंटीमीटर यू आ गया, यू तो नेगेटिव ही आना है। माइनस 30 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब है 12th क्वेश्चन, ये है कन्वेक्स मिरर का, 12th क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये यू दिया हुआ, नोट करो, यू माइनस 10 फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव फोकल लेंथ? पॉजिटिव। और मिरर है ये, फोकल लेंथ प्लस 15, यू कितना है? माइनस 10। दे आर आस्किंग हाउ फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज नहीं दिया हुआ ऑब्जेक्ट का, इसलिए साइज पूछा भी नहीं है इमेज का। तो बस यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगेगा, U प्लस 1/V। मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है, ध्यान रखना है, बस वैल्यूज पुट कर दो और V निकाल लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, V कितना आ गया देखो। और कन्वेक्स मिरर है ना, रे डायग्राम बनाओ साथ में। यहाँ पे इमेज बनी है ना राइट साइड में, तो प्लस आना चाहिए, ठीक है प्लस आ रहा है, ठीक है प्लस ही आ रहा है। हाँ वो अंडरस्टूड ही है। अब मैग्निफिकेशन फॉर मिरर इज माइनस वी बाई माइनस 6/-10। मैग्निफिकेशन इज प्लस, पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन शोज दैट इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वैल्यू लेस देन 1 शोज दैट इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज। तो पूरा नेचर हमें पता चल गया, साइज नहीं पूछा इमेज का, H2 नहीं निकालना। तो यहाँ पे फिर यहीं तक हमें करना पड़ेगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज प्लस 1/1, व्हाट डज इट मीन? प्लस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, 1 का मतलब सेम साइज की इमेज, तो प्लस 1 का मतलब प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल डायरेक्ट एंड वर्चुअल डायरेक्ट इमेज ऑफ सेम साइज। 14th क्वेश्चन भी कन्वेक्स मिरर का ही आप अपने आप करोगे, अभी हमने कन्वेक्स मिरर का ही किया, कन्वेक्स मिरर का बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये आप खुद करोगे 14th क्वेश्चन। अब 15th करते हैं, ये कनकेव मिरर का 15th क्वेश्चन देखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है? H1। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। यू है माइनस 27, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, नेगेटिव लगा दिया यहाँ पे। At what distance from the mirror should a screen be placed so that sharp focused image can be obtained? Find size and nature. मतलब सब कुछ find करना है यहाँ। तो position, nature and size of image. हमें V निकालना है, magnification निकालनी है और H2 भी solve करना है। सब कुछ solve करना है।
तो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल है, मिरर का विद रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाओ, वन ओवर एफ, वन ओवर यू प्लस वन ओवर वी। इधर आ, बारह दर। चलो वी निकालो कितना आ रहा है, एलसीएम निकाल के लगा के। नाउ इधर मैंने ये नहीं कहा ना, बैठ यहां से, थप्पड़ जल्दी लग जाओ। ये माइनस है, हाँ फोकल लेंथ नेगेटिव है ना, या तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस यस बी इज माइनस 54 सेंटीमीटर। इसको वेरीफाई करने के लिए स्टेप पे रे डायग्राम बनाया करो कि वी आपका नेगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव आना चाहिए। तो लेट अस आइडेंटिफाई द केस, कनकेव मिरर है ठीक है, फोकस कितने पे है, 18 पे, तो सी कहाँ पे है, 36 पे, यू कहाँ रखा है, 27। कौन सा केस है, बिटवीन एफ एंड सी वाला, तो इमेज आपकी बनेगी बियॉन्ड सी ठीक है। ये वाला केस है तो 36 से ज्यादा आना चाहिए था वी, और लेफ्ट साइड पे आना चाहिए था ठीक है, 54 आ रहा है माइनस, ये हमारा ठीक आ रहा है। अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन, माइनस वी बाई यू फॉर अ मिरर, माइनस माइनस 54 माइनस 27, तो मैग्निफिकेशन है माइनस 2। माइनस साइन शोज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस इमेज इज मैग्निफाइड। तो नेचर ऑफ द इमेज इज रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड, ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है बिल्कुल। अब एच टू निकाल लो, चलो सॉल्व फॉर एच टू एंड टेल मी। तो मैग्निफिकेशन इज माइनस 2, एच वन दियो है 7, अरे 14, मैग्निफाइड है ना, ऑब्जेक्ट का साइज 7 है और इमेज का 14, उससे डबल साइज की इमेज बनी है। एच टू इज माइनस 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अब हम लेबल कर सकते हैं, ये 7 सेंटीमीटर थी, ये 14 सेंटीमीटर है, इमेज 54 सेंटीमीटर पे बनी है, एफ और सी हमने पहले मार्क कर दी। एच टू एच, यही मैंने आपको ध्यान रखने को बोला था ना कि एच टू ओवर एच वन करनी। हाँ जी हाँ, जब इन्वर्टेड है तो हाइट नेगेटिव आएगी, इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, इन्वर्टेड है तो हाइट नेगेटिव आएगी। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, इसलिए उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। इज दैट ओके? ये कौन सा क्वेश्चन था, 15, 16, 17 हमने कर लिया है, चलो अब कौन सा रह गया, 14 भी अभी करो, मैंने कन्वेक्स मिरर का आपको होमवर्क दिया, अभी कर लो, चलो 14 करो। 36 क्यों नहीं है, आपको पता है कि फोकस जो है वो सेंटर ऑफ करेचर का हाफ होता है, तो अगर फोकल लेंथ 18 है तो सेंटर ऑफ करेचर 36 पे होगी। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, एफ इक्वल टू आर बाय 2, उसके अकॉर्डिंग लिखा है हमने। 14th देखो, अब स्टैंड अप। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, H1 इज प्लेस्ड
at a distance of 20 centimeter u in front of a convex mirror of focal length of radius of curvature 30 centimeter. Convex hai to positive hai. Focal length is r by 2 plus 15 centimeter iski focal length ho gayi. Yahan ye wala formula bhi use ho gaya. बस वही फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, वही तीन चीजें निकालनी है. चलो सॉल्व करो. फाइंड वी मैग्निफिकेशन एंड एच टू. चलो पहले मिरर फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज इन, रे डायग्राम बनाओ. चलो एलसीएम निकाल के वी बताओ कितना. पॉजिटिव ही आएगा, कन्वेक्स मिरर है ना. तो वी पॉजिटिव आएगा आपका. हाँ बिसम जोत, कितना आंसर आ रहा है? मैम वी 60/7. 60/ उसको उल्टा भी करना ना आदमी. 1/v आ रहा ना, v आ गया आपका 60/7. इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है, 8.5 आ गया. चलो ठीक है, वो आपका इधर ही आना चाहिए था राइट साइड पे. और फोकल लेंथ से कम आना चाहिए था, फोकल लेंथ 15 से कम आना चाहिए था, आ गया. अब निकालो मैग्निफिकेशन. माइनस वी बाय यू, ठीक है. मैग्निफिकेशन आ गई पॉजिटिव 3/7. तो मैग्निफिकेशन आपकी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब इमेज इज डिमिनिश. ठीक है, पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है. नेचर ऑफ इमेज आ गया वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, यहां से पता चल गया हमें. अब H2 निकालो, करो सॉल्व. H2/H1, H1/H2 नहीं, H2/H1. तो H2/H1 is 3/7, H1 is 5, 2.1 centimeter. तो ये कंप्लीट हो गया ना न्यूमेरिकल हमारा. अब सारे क्लियर हैं आपको, इसी तरह से करने हैं लेंस और मिरर के मिरर. अब ये एक्सरसाइज पूरी हो गई आपकी, आज कॉपीज आपने सेंड करनी है मुझे बाय ऑल मींस. हाँ जी, मैंने कहा था डायरेक्ट कर लेना आप.